मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्वान बाग की तर्ज पर वेस्ट यूपी में प्रदर्शन की तैयारी। तो वेस्ट यूपी में प्रदर्शन की तैयारी, वेस्ट यूपी के कई शहरों में सीएए के खिलाफ धरने पर बैठ सकती हैं महिलाएं। तो दिल्ली के शाहीन बाग में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली, अब वो वेस्ट यूपी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ चली है। और मेरठ में आज कई जगहों पर महिलाएं सीएए के खिलाफ धरने पर बैठ सकती हैं। खुफिया विभाग को सीएए के विरोध की प्लानिंग का इनपुट मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ में होना है दौरा, उससे पहले ये एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सीएए के विरोध में शाहीनबाग में कई दिनों से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहीं मेरठ में भी इसी तरह की तैयारी महिलाएं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता मनवर चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। मनवर, दिल्ली के शाहीनबाग की तर्ज पर अब मेरठ में भी कई जगहों पर महिलाएं बैठ सकती है धरने पर। देखिए आसमा, बिल्कुल, जो खुफिया विभाग लगा हुआ था, क्योंकि पिछले दिनों मेरठ में हिंसा हुई सीए और एनआरसी को लेकर के, लेकिन तब से ही तमाम पुलिस और प्रशासन खुफिया विभाग के साथ तमाम लोग अलर्ट थे। ऐसे में पहले भी इस तरह की सूचना आई थी, जिसको पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद पोस्टपोन किया गया था। लेकिन मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने पीएफआई और सीबीआई दोनों को टारगेट किया हुआ है। ऐसे में दूसरे संगठन इस घटना को, इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली से कुछ लोग आए थे, इसके लिए जमीन भी तैयार कर दी गई है। ऐसे में खुफिया विभाग पर दोबारा से ये इनपुट आया है कि शाहीन बाग की तरह मेरठ के अंदर भी महिलाएं और बच्चे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि मेरठ के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होना है, उनको हस्तापुर में आना है, ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई है। प्रशासन को अब ये चिन्हित करना होगा कि आखिर एसडीपीआई पीएफआई के अलावा वो लोग कौन है जो इस तरह की जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आप अभी कोई हलचल मनवर इस इनपुट के बाद, जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि कई जगहों पर महिलाएं धरना पे बैठ सकती है, अभी तक कोई ऐसी जानकारी, कोई इस तरह की स्थिति? देखिए बिल्कुल, जो इनपुट मिला है इसमें खासतौर से जो निशानी के दिलाता है मेरठ का, उसको चिन्हित किया गया है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन खुफिया विभाग का इनपुट यही है, क्योंकि पहले से ही जो निशानी के इलाके के पांच लोग इस प्रकरण में मारे गए थे, गोलीबारी में मारे गए थे, इसी इलाके को चुना गया, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में अगर यहाँ महिलाएं बैठती है तो कहीं ना कहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ से कह सकते हैं तो प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली के अलावा जो मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, तो प्रोटेक्ट नहीं है, अलग ही देवबंद में प्रोटेक्ट हो रहे थे। लेकिन अगर मेरठ में शुरू होता है तो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि आत्मा मेरठ ही एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से तमाम रूपरेखाएं तैयार की जाती है। मेरठ मंडल है और मेरठ का ही ऐसा पुलिस प्रशासन इसलिए साथ है कि अगर यहाँ से कुछ होता है तो पूरे वेस्ट सिटी में उसका असर देखने को मिलेगा। और बिल्कुल मनोहर, ये इनपुट इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर दौरा है, लेकिन उससे पहले इस तरह का इनपुट मिलना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती साबित कर सकता है, मुश्किल कर सकता है उस दौरे को प्रभावित करने की भी कोशिश, क्या इस धरना प्रदर्शन के जरिए? देखिए आसमा, बिल्कुल, जो रथ है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो लखनऊ से निकल चुका है, उसको 27 तारीख को मेरठ पहुंचना है, गंगा यात्रा पर यहाँ पर हस्तापुर में आना है। लेकिन उससे पहले इस तरह का इनपुट मिलना, और कहीं ना कहीं जो लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो हो सकता है इस दिन को इसलिए चुने, क्योंकि तमाम पुलिस और प्रशासन सीएम के दौरे में लग जाएगा, अगर यहाँ पर धरना शुरू होता है तो पुलिस को उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस बार अगर लोग जुड़े तो उनको हटाना मुश्किल है। लेकिन अब पुलिस यही चाह रही है कि सीएम का दौरा भी संपन्न हो जाए और इस तरह की कोई बात भी सामने आए, देखना यही होगा कि क्या अब जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लोग वो सफल होते हैं या पुलिस और प्रशासन इस प्रोटेस्ट को रोकने में सफल होता है। बिल्कुल, चलिए मनवर, आप इस स्थिति को लेकर नजर बनाए रखिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया।